सांप को कभी दूध नहीं पिलाने का। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है इक्का के नए गाने पर, जिसका नाम है सब जानता है, ऑफिशियल वीडियो निशु। सो ये ट्रैक इक्का के चैनल पे आया है और इक्का के बहुत रेयर ट्रैक है जिसपे मैंने रिएक्शंस दिए हैं, क्योंकि बहुत बार ही ऐसा हुआ है कि मैंने इक्का के कोई ट्रैक को उठाया है और उस पर रिएक्शन देने के लिए वीडियो बनाई है और वो वीडियो एडिट करी है, वीडियो एडिट करने के बाद अपलोड किया है और फिर वो वीडियो ब्लॉक हुई है। सो इसीलिए मैं कई बार ये सब देखने के बाद मैंने रिएक्शन से नहीं किए थे इक्का के कुछ कुछ गानों पे, और अब मैं काफ़ी टाइम बाद इक्का का कोई ट्रैक पे रिएक्ट करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता ये वीडियो डलेगी कि नहीं डलेगी, आई डोंट नो, बट फिर भी मैं रिएक्शन करना चाहती थी, इसीलिए मैंने आज सोचा कि मैं यू नो रिएक्शन करूँगी एनी हाउ। सो लेट्स सी ये ट्रैक कैसा होने वाला है और मुझे कैसा लगने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने उन्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इक्का के फैंस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो साइड में दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो जाके फॉलो करो। और मुझे आप सजेशंस भी दे सकते हो इक्का के कोई नए अच्छे से ट्रैक पे, मैं कोशिश करूंगी उस पे रिएक्ट करके वीडियो अपलोड करने की, बट अगर नहीं हुआ तो समझ जाना। और अगर आप चाहते हो मेरे व्लॉग चैनल को भी चेकआउट करना तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट कर सकते हो आप। तो अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। माँ का दिल ने दुखाने का, बाप से आंख ने मिलाने का, तू समझे ना वाइब को तेरी, ऐसी से कभी भी दिल नहीं लगाने का, दिल के नहीं राज बताने का, उसकी में धोखा नहीं खाने का, वो गिरना भी बने सका, पर सांप को मांग भी दुनी भी लाने का, मैं सब जानता मैं सब जानता मैं सब जानता अंडे बेरखता जमाने को, कोई नहीं आता मेरे को खिलाने को, घर पे अच्छे आठ दिन खाने को, उन्हर कहते मातम में हंस के दिखाने को, अपनों को जानू वो जानू मशाने को, गान में ले ले तू फीचरों गानों को, लालची मेरी रोटी ले ले खाने को, चाह की प्राप्ति लालच को जाने दो, मैंने गम देखा हार देगी, बचपन में बैठो की मार देगी, दुनिया देती गाली बस माई प्यार देगी, मदद के लिए पुकार खुशियों के लिए गुहार देगी, रिश्तों में दरार यारों से यार मार देगी, मैंने बेचैन अपनी सांस मरने के लिए आज देगी, एक मंजिल देगी फिर तलाश देगी, सपनों के बिना जिंदा लाश देगी, माँ का दिल ने दुखाने का, बाप से आंख ने मिलाने का, तू समझे ना वाइब को तेरी, ऐसी से कभी भी दिल नहीं लगाने का, दिल के नहीं राज बताने का, दोस्ती में धोखा नहीं खाने का, वो गिरना भी बने सका, पर सांप को मांग भी दुनी भी लाने का, मैं सब जानता सब जानता मैं सब जानता मैं सब जानूंगी। सालों से नींद में सोया नहीं, भाई को खोया पर कभी मैं रोया नहीं, माँ बाप की आंख भिगोया नहीं, जीवन धागे में कुछ खासा भी रोया नहीं, होमिस भी चलते हैं सगा नहीं कोई, पर होमिस को बुरा नहीं बोलेगा कोई, कज होमिस के लिए अभी भी लव, प्यार को नफरत में तोले ना कोई, हिप हॉप बनी लाइफ, कपड़े दिए खाना दिया, फैंस के रूप में खजाना, जीने के लिए जमाना दिया, परायों ने प्यार अपनों ने ताना दिया, मैं हिप हॉप नहीं कईयों ने दावा किया, मैंने हर तरीके का गाना दिया, नास के लेवल के साथ गाना किया, टेल मी कितने रैपरों ने बता दो कितने रैपरों ने जुगाया जिया, माँ का दिल ने दुखाने का, बाप से आंख ने मिलाने का, तू समझे ना वाइब को तेरी, ऐसी से कभी भी दिल नहीं लगाने का, दिल के नहीं राज बताने का, दोस्ती में धोखा नहीं खाने का, वो गिरना भी बने सका, पर सांप को मांग भी दुनी भी लाने का, मैं सब जानता मैं सब जानता सब जानता मेरे कौन छाने कौन मैं सब जानता उठा 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 जल्दी कर उठा सर हाँ सर रख ध्यान से रख उठा ले चल चल आंखें मत बंद कर नाम क्या तेरा नाम क्या निशु निशु ओके मेरे कौन छाने कौन
सब जानता है। ओके सो इक्का बहुत ही सही और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। इनके मैंने जितने भी ट्रैक सुने हैं उसमें एक अच्छी वाइब मिली है और एक अच्छा सुनने में इनको लगता है, और ये ट्रैक भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे। और यू नो एकदम यूनिक अच्छा साउंड कर रहे थे इक्का, उनकी वॉइस भी, और जो एक हल्का सा टच था हुक लाइन पे, अपने है कौन शान है कौन, वो लाइन भी वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और अच्छी लग रही थी सुनने में। सो इक्का ने बहुत अच्छा लिरिक्स लिख रखा था, प्लस जो वीडियो चल रही थी वो ओवरऑल ये ट्रैक बहुत ज़्यादा सही था। इतना बड़ा ट्रैक नहीं था लेकिन जितना भी था बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। तो इन शॉर्ट जो लिरिक्स लिखे थे वो ये थे कि मैंने अपनी मतलब अपना कोई नहीं होता, और एक सीख भी दी, मतलब सीख इन द सेंस कि कोई आपका नहीं होगा, कोई आपको खाना खिलाने नहीं आएगा, कोई तुम्हारा पेट भरने नहीं आएगा और नहीं पूछेगा कि तुमने खाना खाया या नहीं। इसलिए ये सब करने के लिए सिर्फ माँ ही होती है और वही तुम्हारा ध्यान रखती है, इसलिए माँ का कभी दिल नहीं दुखाने का। और जो भी प्रॉब्लम्स इन्होंने बताई है मोस्टली बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में देखी होती है, और इसलिए भी लोग यू नो रिलेट करते हैं इन सब इन आर्टिस्टों को। बहुत से लिरिक्स ऐसे होते हैं जो एकदम हिट करती हैं हमको, और जो भी चीज़ उन्होंने बताई है वो लाइफ में बहुत से लोगों ने देखी होती है। जैसे कि उन्होंने बताया कि मैंने गम देखा, मैंने हार देखी, जीत देखी, मैंने बेल्टों की मार देखी, और रिश्तों में प्रॉब्लम्स देखी, और ये भी बताया कि हिप हॉप बनी लाइफ, उसने कपड़ा दिया, खाना दिया, और फैंस के रूप में खजाना दिया। और ये भी कहना चाहा कि हर तरफ नेगेटिविटी होती है, और यू नो नेगेटिव लोग भी आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी करते हैं, और इसीलिए आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो यू नो बुरा भला बोलेंगे, तो सिर्फ माँ ही है जो सिर्फ तुम्हें प्यार देगी। तो लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इतनी सारी लाइन्स थी ना जो बहुत सही थी यार। और इक्का ने एंड में ये लाइन भी बोली थी कि कितने रैपर हैं जो वो गाते हैं वो जीते हैं एक्चुअल में, मतलब जो गाया जिया। उनका कहना ये है कि कितने रैपर ऐसे हैं जो एक्चुअल में वो जो गाते हैं, जो वो बोलते हैं अपने ट्रैक में, वो एक्चुअल में उनकी लाइफ में वो जीते भी हैं, उनकी लाइफ में एक्चुअल में वो होता भी है, वो क्वेश्चन कर रहे हैं। और मुझे लिटरली ना ऐसा फील हुआ है ना इनका ये वाला ट्रैक, और सच्ची बताऊँ काफ़ी हद तक आपको ये ट्रैक बहुत ज़्यादा रिलेट करने वाला है, और किया होगा ऑब्वियसली। और जो हुक पार्ट था ना वो लिटरली बहुत ज़्यादा सही था कि दिल के राज नहीं बताने का किसी को, और दोस्ती में धोखा भी नहीं खाने का, और चाहे कोई कितना भी बने सगा लेकिन सांप को कभी दूध नहीं पिलाने का। लाइफ लेसन है ये एक, हाँ जितनी भी चीज़ें उन्होंने बोली है ये ज़िंदगी में हर किसी को एक पॉइंट में सिखा देती है ऐसी चीज़ें। और मुझे ये ट्रैक सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया, और यार लिटरली ये ट्रैक बहुत ज़्यादा सही था, वीडियोस की बहुत अच्छी थी, लिरिक्स बहुत अच्छे थे, और इक्का की वॉइस तो बहुत बहुत सही थी। सो मुझे ये ट्रैक बहुत ज़्यादा पसंद आया, यही था मेरा रिएक्शन इस ट्रैक पे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये रिएक्शन, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और प्लीज़ सजेशंस देना कमेंट सेक्शन में कि मैं आगे किस पे रिएक्ट करूँ, इक्का के कोई गाने पर आप रिएक्शन चाहते हो तो। सो या अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।